चलो भाई। अरे घर में अंदर है ना? वो हमने कैसे कर दिया? ये अभी ढाल ले दोस्तों, दिखाते हैं। भाग लो बंदर। कितना केमिकल उमिकल मार लिए। यही वो कोड़ा साफ है, देख लीजिए, काफी भयानक नजर आ रहा है। लेकिन विशेष जब ये बाहर निकलेगा तो पता चलेगा। कुछ खा के बैठा है, कर जा। आराम से फंसा हुआ है, कुछ ना ना कुछ खा के बैठा है। परकट उठाइयो के ये काफी बुरी तरह से फंसा हुआ है और थोड़ा तो निकालने में कठिनाई होगी ही, इसलिए कि ये दीवार है और दीवार के ऊपर करकट है और करकट के दोग में ये फंसा हुआ है। और अगर ज़्यादा और ज़्यादा इसको ज़ोर से खींचा भी नहीं जाएगा, इसलिए कि जानते हैं कि इसका पकड़ कितना मजबूत होता है और ये जहाँ पकड़ लेता है वहाँ छोड़ता नहीं है। तो इसे थोड़ा बाहर से हम चाहेंगे कि करकट को थोड़ा उठा के तब इसको आराम से निकाला जाए। और चलिए ये निकल गया है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हुए इसे बाहर निकाल लिया गया है। आइए, ये विषैला है, काफ़ी खतरनाक है और देख लीजिए ये परिवार के लोग कितने दहशत में थे इस सांप को देखकर। चलिए बाहर, और आइए हम इसे बाहर लाते हैं और बाहर लाकर दिखाते हैं कि ये कितना एग्रेसिव सांप है। काफी एग्रेसिव है, आइए देखते हैं। लगता है ये रात में कुछ खाने के वजह से उस करकट में घुस गया था और खा के ये बैठा हुआ था। बैठने के क्रम में ये फंस गया करकट के दोग में। सकते हैं कितना एग्रेसिव मोड में ये सांप है, काफी खतरनाक, काफी विषैला, काफी जहरीला है, देख सकते हैं। थोड़ा सा भी टच करने पे ये तुरंत वार कर देना चाहता है। आ? क्या हुआ? केमिकल मार दे ली रे, ऐसी आती वाला रहे महक से भागे वाला, वैसे होते नहीं साबित।
देखिए ये सांप जो है थोड़ा ऐठ बैठ भी रहा है, इसे लगता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अंदर से कोई बीमारी हो, इस टाइप का इसका ऐठन है। लगता है कि परिवार के लोग इसे भगाने के लिए इसके शरीर पे कुछ छिड़काव किया गया था, इसीलिए ये जो है थोड़ा ऐठने के पोजीशन में है। हो सकता है कि केमिकल का असर, यही वो केमिकल है जिससे इसके बॉडी को छिड़काव किया गया था। रोगर टाइप का लगा, ये काफी जहरीले पदार्थ है जो इसके बॉडी पे छीट दिया गया था, जिससे ये सांप थोड़ा बिल्कुल ऐठने के पोजीशन में है। और चलिए हम लोग इसे वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, हो सकता है इसे इसका बॉडी का जो पीड़ा है वो दूर हो जाए, क्योंकि ये काफी पीड़ादायक जहर था जो छींटने के वजह से इसके बॉडी में काफ़ी पेन सा हो रहा है, काफ़ी ऐंठ सा रहा है। तो हम इसे अभी पानी से वॉश करेंगे, धोएंगे, और धोने के बाद जो है देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, बेजुबानों का जान बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ता है, और अपने फ़र्ज को निभाते हुए बेजुबानों का जान बचाते हैं। और इसी वजह से हम लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं और बेजुबानों का जान बचा पाते हैं। और चलिए अच्छे से क्लीन कर दिया गया है, वॉश कर दिया गया है, जिससे इसका पीड़ा कुछ कम हो सके। थोड़ा डर लग रहा होगा, हमारा डर हमारा काटे तो हम ना मर ना प्रैक्टिस से धर रहा जाना है तुम कभी मोछा नहीं गुड पर चढ़ा और ना ना डर है। चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हुए इसे हम पैक करते हैं, और पैक करके इसके अपने दुनिया में ले जा कर के रिलीज करेंगे। और रिलीज करने का जो पल होता है काफ़ी सुकूनदायक पल होता है, और हम इसे जब रिलीज करते हैं तो काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण को संतुलित रखने के लिए सांपों को रहना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि सांप को जहां भी देखें मारे नहीं, और बेजुबानों का जान बचाने हमारी मदद करें, क्योंकि सांप से इंसान को बहुत सारा फायदा है, इंसान से सांपों को कोई फायदा नहीं है, इसलिए मारे नहीं। और कहीं भी सांप अगर नज़र आए तो हमारे स्नेक सेवर JP यादव को कॉल करें और बेजुबानों का जान बचाने में मदद करें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल स्नेक सेवर यादव